छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ईडी की मुख्यमंत्री पर कार्रवाई न्याय उचित है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जारी किया है। इस दौरान कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। दिल्ली में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सही करार दिया है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र पर जिम्मेदारी डालते हुए कई बातें कही। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और अपना काम वो कर रहा है, और आपको मालूम होगा कि गोधरा कांड जब हुआ था उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो एसआईटी उनको भी 9 घंटे रोक के रखा था। तो स्वतंत्र एजेंसी है, इनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। वो तो है, लेकिन अब स्वतंत्र एजेंसी है, काम करेगा। अगर ये लोग सही हैं अपनी जगह पर तो डर काहे का है।